हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वी फिल्मी पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्राइम और थ्रिलर से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ टॉप 3 हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज। इन तीनों वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगा क्राइम के पीछे की दुनिया के कुछ गहरे राज और साथ ही रोंगटे खड़े कर देने वाला थ्रिलर। ये सभी सीरीज अपनी स्टोरी की वजह से तो अच्छी है ही, साथ में स्क्रीन प्ले और एक्टिंग तो ऑडियंस का दिल ही जीत लेती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले काउंटर नंबर 3 पर आती है साल 2024 यानी इसी साल फ्रेशली रिलीज हुई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी बरिड ट्रूथ। इस सीरीज के कुल 4 एपिसोड्स हैं जो लगभग 40 से 50 मिनट के हैं। सीरीज को IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की काफी अच्छी रेटिंग्स मिली हैं और 60% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। सीरीज के कास्ट में हमें नजर आते हैं अमृता झा, इंद्रानी मुखर्जी और अंश शेखावत जैसे और भी कई सारे एक्टर्स। अब बात करें सीरीज के बारे में, तो जैसे कि आप जानते हैं ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो रियल लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें शीना बोरा नाम की एक 25 साल की यंग लड़की का मर्डर दिखाया गया है। इस सीरीज में सब एडवोकेट्स और रिपोर्टर्स भी सामने आते हैं जो 2015 में हुई इस केस से रिलेटेड फैक्ट्स हमारे सामने रखते हैं। दरअसल कहानी इंद्रानी मुखर्जी से स्टार्ट होती है, जिस पर उसी की बहन शीना बोरा के मर्डर का इल्जाम होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसकी बहन नहीं बल्कि बेटी होती है। ऐसे ही कई सारे फैक्ट्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलते हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि शीना बोरा का मर्डर कभी हुआ ही नहीं। ऐसे और भी कई सारे कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरीज हैं जो इस केस से जुड़ी हैं और एपिसोड्स के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। जबरदस्त मिस्ट्री, क्राइम और थ्रिलर से भरी ये सीरीज आप काफी पसंद करेंगे। ये सीरीज आप सबके लिए नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो देर किस बात की, जल्दी से इसे एंजॉय कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल वी फिल्मी को आप देखते हैं और हमारी वीडियोस को पसंद भी करते हैं, लेकिन इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, काउंटर नंबर 2 पर आती है साल 2024 में आई एक और काफी जबरदस्त क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग। इस सीरीज के टोटल 7 एपिसोड्स हैं जो लगभग 40 से 45 मिनट के हैं। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की डिसेंट रेटिंग्स मिली हैं और 78% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। सीरीज में लीड रोल निभाते हमें नजर आते हैं रवीना टंडन, नम्रता सेठ, वरुण सूद और विराव पटेल जैसे और भी कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स। सीरीज की कहानी की बात करें तो कहानी में सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इंद्रानी कोठारी का कैरेक्टर, जो कि रवीना टंडन द्वारा निभाया गया है। रवीना टंडन की एक्टिंग तो माइंड ब्लोइंग है ही और ऑडियंस से बहुत ही जल्दी कनेक्ट भी हो जाती है। दरअसल कहानी है दो लोगों की, जिसमें एक है काफी अमीर कोठारी फैमिली और दूसरी तरफ है कर्मा तलवार। कोठारी फैमिली के पास पैसा और पावर सब कुछ है और इनके बेटे की शादी कर्मा तलवार से फिक्स हो जाती है, पर शादी होने से पहले ही कोठारी के बेटे का मर्डर हो जाता है। कर्मा तलवार का कोठारी फैमिली से पुराना कनेक्शन है जो सामने आता है। तो किसने किया है ये मर्डर, क्या राज है कर्मा का और क्या कनेक्शन है कोठारीज और कर्मा के आपस में, ये सब आपको इस ड्रामा थ्रिलर सीरीज में देखने को मिलेगा। जबरदस्त एक्टिंग वाली ये सीरीज आप Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं। और अब फ्रेंड्स, फाइनली काउंटर नंबर 1 पर आती है साल 2024 यानी इसी साल रिलीज हुई एक और मस्ट वॉच क्राइम कोर्टरूम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज, जिसका नाम है मामला लीगल है। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो लगभग 30 से 40 मिनट के हैं। सीरीज में अपनी दमदार एक्टिंग के साथ हमें नजर आते हैं रवि किशन, निधि बिष्ट, अंजुम बत्रा और यशपाल शर्मा जैसे और भी कई सारे बेहतरीन एक्टर्स। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 8.3 आउट ऑफ 10 की सुपर्ब रेटिंग्स मिली हैं और 92% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। अब सीरीज की कहानी के बारे में बात करें तो कहानी में कुछ अजीबोगरीब लोग और उनसे भी ज्यादा अजीबोगरीब केसेस को दिखाया गया है। सीरीज की स्टोरी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है और जिस तरीके से कहानी को लिखा और पेश किया गया है वो काबिले तारीफ है। सीरीज का ज्यादातर पार्ट कोर्टरूम केसेस और वकीलों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, पर फिर भी ये सीरीज आपको बिल्कुल भी बोर नहीं फील कराती। इस सीरीज में कुछ ऐसे वकील हैं जो किसी भी केस को जीत सकते हैं और वहीं कुछ ऐसे भी वकील हैं जो लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, तो ये सारे लोग मिलकर ऑडियंस को एंटरटेन करने का काम करते हैं। ये सीरीज आप जरूर पसंद करेंगे, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और इसे नेटफ्लिक्स पर जल्द से जल्द एंजॉय कर लीजिए। सीरीज में कॉमेडी एलिमेंट्स भी हैं जो सरप्राइज पैकेज की तरह ऑडियंस के सामने आते हैं, तो ओवरऑल ये सीरीज मैं आप सबको पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।